भोला अपनी पत्नी रीना के साथ रामपुर गांव में रहता था। भोला की पत्नी रीना रोज समोसे बनाती थी। उन्हीं समोसों को भोला रोज अपने ठेले पर लेकर बाजार में बेचने जाता। वहीं भोला का पड़ोसी राजू यह सोचता है, ये भोला रोज समोसे बेचने आ जाता है, मैं सोचता हूँ कि मुझसे ज्यादा भोला के समोसे न बिके। इसलिए वह अपने समोसों के दाम कभी बढ़ाता तो कभी घटा देता। वह हर रोज ऐसे ही करता। यह सब देखकर भोला परेशान रहने लगता है। एक दिन भोला की पत्नी रीना भोला से कहती है, सुनिए, आज से कल तक समोसे का सामान खत्म हो जाएगा, आप बाजार जाकर समोसे का सामान ले आना। रीना, क्या फायदा समोसे का सामान लाकर, ज्यादा बिकते तो है नहीं, और आज से तुम समोसे कम बनाना, ज्यादा बिकते नहीं है, इसीलिए मेरा मन भी नहीं करता बेचने का। ठीक है, आज से मैं कम ही समोसे बनाऊंगी, लेकिन आप परेशान मत हो। भोला समोसे लेकर रास्ते में जा रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है, लगता है किसी पक्षी की है। भोला इधर उधर देखता है तो उसे एक चिड़िया दिखाई देती है जिसका एक पैर पत्थर के नीचे दब गया था। अरे चिड़िया रानी, तुम्हें क्या हुआ, तुम इस पत्थर के नीचे कैसे दब गई? भोला चिड़िया का पैर पत्थर के नीचे से निकालता है और देखता है कि चिड़िया को काफी खून बह रहा होता है। अरे इसको तो बहुत खून बह रहा है, अभी मैं ज्यादा दूर नहीं पहुँचा हूँ, इसे घर लेकर जाता हूँ और इसके पैर पर कुछ दवाई लगाता हूँ। इतना कहकर वह उसे अपने घर पर ले जाता है। रीना, रीना कहाँ हो रीना? हाँ क्या हुआ? अरे इस चिड़िया के इतना खून क्यों बह रहा है? रीना मैं बाजार जा रहा था, तभी ये चिड़िया मुझे एक पत्थर के नीचे दबी मिली, इसके पैर में चोट लग गई है, तुम जरा हल्दी का लेप लेकर आना, मैं इसके पैर में लगा देता हूँ। भोला उसके पैर पर हल्दी का लेप लगा देता है। इसके बाद वह रीना से कहता है, रीना तुम इसका ख्याल रखना, तब तक मैं बाजार जाकर समोसे बेच आता हूँ, शायद कुछ समोसे बिक जाएं। इतना कहकर भोला वहाँ से चला जाता है। आज भोला के समोसे बहुत बिकते हैं। भोला बहुत खुश होता है। शाम को अपने घर जाकर रीना से कहता है, रीना आज तुमने समोसे में ऐसा क्या डाला था? मैंने तो वैसे ही समोसे बनाए थे जैसे रोज बनाती हूँ, क्यों क्या हुआ? रीना आज तो सारे समोसे बिक गए, तुम रोज ऐसे ही समोसे बनाया करो, आज मैं बहुत खुश हूँ। दूसरे दिन रीना और भी ज्यादा समोसे बनाती है। भोला रोज की तरह समोसे बेचने जाता है, आज भी उसके समोसे ज्यादा बिकते हैं। भोला और भी खुश होता है। घर आकर भोला रीना से कहता है, रीना पता नहीं क्यों लेकिन समोसे कम पड़ जाते हैं, अब से तुम इसके 3 गुना ज्यादा समोसे बनाया करो। ठीक है, लेकिन पहले क्यों नहीं बिकते थे? पता नहीं, लेकिन जब से चिड़िया रानी हमारे घर पर आई है तब से हमारे दिन खुल गए हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब भोला ने एक दुकान खोली। अब भोला दुकान में बैठकर समोसे बेचने लगता है। वह धीरे धीरे करके अपनी सभी जरूरतें पूरी करता। फिर एक दिन भोला रीना से कहता है, रीना यह चिड़िया अब ठीक हो गई है, अब यह उड़ सकती है, क्यों ना हम इसे उड़ा दें, क्योंकि पक्षी को कैद करके रखना अच्छी बात नहीं है। हाँ आप ठीक कह रहे हैं। वह दोनों यह सोचकर चिड़िया को उड़ा देते हैं। चिड़िया उड़ जाती है। दूसरे दिन जब भोला अपनी समोसे की दुकान पर जाता है तो उसकी दुकान पर कोई नहीं आता। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन कोई नहीं आता। अरे आज तो सुबह से शाम हो गई है लेकिन एक भी समोसा नहीं बिका, ऐसा क्यों हुआ? भोला घर जाकर रीना को सारी बात बताता है। कोई बात नहीं, आज नहीं बिके तो कल बिक जाएंगे। हाँ रीना काश ऐसा ही हो। अगले दिन भोला अपनी दुकान पर जाता है और फिर उसके समोसे नहीं बिकते। इसी तरह कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब भोला फिर से परेशान रहने लगता है और वह सोचता है, जब से मैंने चिड़िया को उड़ा दिया है तब से काम फिर से पहले जैसा हो गया है। घर जाकर वह रीना से भी कहता है। तभी वह चिड़िया आ जाती है और भोला से कहती है, भोला तुम दोनों मुझे याद कर रहे थे ना? हाँ चिड़िया रानी, जब से तुम गई हो तब से मेरा कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। मुझे पता है, और मुझे ये भी पता था कि तुम दोनों को मेरी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं आई हूँ।
तुम दोनों बहुत अच्छे हो। भोला, तुमने मुझे बचाया था, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। भोला, मैं एक जादुई सुनहरी चिड़िया हूँ, ये लो मेरा एक जादुई मोती, तुम दोनों अपने पास रख लो, ये तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हारा सब काम अच्छे से होता रहेगा। तुम कभी भी इसका गलत इस्तेमाल मत करना, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रीना, यह चिड़िया जादुई थी, इसीलिए तो हमारे समोसे बिकते थे और हम तो समझ ही नहीं पाए। अब भोला और रीना दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और भोला की दुकान अब और अच्छे से चलने लगती है और दोनों खुश रहने लगते हैं। एक गांव में जमींदार रघुनाथ का खेत था। रघुनाथ को अपने खेत में काम करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ, गांव में हमारा जो खेत बंजर पड़ा है, उस खेत में भी काम करने वाला कोई आदमी मिल जाए तो हमारी आमदनी और बढ़ जाए। लेकिन हमारे उस खेत की जमीन तो पूरी बंजर है, उसमें कौन काम करेगा? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो हमारे बंजर खेत में भी काम कर सके। उसी गांव में किशन नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। किशन के घर की हालत बहुत खराब थी और उसके पास कोई काम भी नहीं था। कई जगह काम ढूंढने के बाद किशन घर आता है। क्या हुआ, क्या आज भी कोई काम नहीं मिला? नहीं मालती, कहीं कोई काम नहीं मिला। घर में खाने को तो एक दाना भी नहीं है। मैं क्या करूं मालती, मैंने कोशिश तो बहुत की पर कहीं कोई काम नहीं मिला। हे ईश्वर, हमारी कुछ मदद करो, कब तक हम ऐसे ही भूखे पेट रहेंगे, कहीं तो कुछ काम मिल जाए। तभी किशन के घर गांव का एक व्यक्ति आता है। किशन, किशन भाई कहाँ हो? लगता है घर के बाहर आपको कोई आवाज दे रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, चलो देखते हैं चल के। दोनों घर के बाहर आते हैं और देखते हैं गांव का एक व्यक्ति उनके घर के बाहर खड़ा है। अरे भाई किशन, मेरे पैसे कब दोगे? इतने दिन तो हो गए हैं, अब और कितना समय लगेगा? या फिर मेरे पैसे देने का तुम्हारा मन नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, मुझे गलत मत समझो, कई दिनों से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, इसीलिए हम बहुत परेशान हैं। हाँ जगन भैया, ये सही कह रहे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, घर की हालत बहुत खराब है, अगर हमें कोई काम मिल जाएगा तो सबसे पहले हम आपके पैसे ही चुकाएंगे। जगन भैया, अगर आपकी नज़र में कोई भी काम हो तो कृपया हमें बता दीजिएगा। हाँ, एक काम तो है लेकिन थोड़ा कठिन है, क्या तुम कर पाओगे? हाँ जगन भाई, कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, तुम मुझे बताओ, मैं कर लूँगा। हमारे गांव के जमींदार रघुनाथ जी का एक खेत पड़ा है, उस खेत में काम करने के लिए जमींदार साहब एक व्यक्ति की तलाश में हैं। लेकिन वो खेत बंजर होने के कारण उसमें कोई काम करने को राजी नहीं होता। अगर तुम उस खेत में काम कर पाओ तो मैं तुम्हारे लिए जमींदार जी से बात करूं। जगन की ये बात सुनकर किशन बहुत खुश हो जाता है। हाँ जगन भाई, मेरे लिए तो यही बहुत है कि मुझे काम मिल जाए, तुम जमींदार जी से बात कर लो, मैं उस बंजर खेत में भी काम करने को तैयार हूँ। तो ठीक है, कल सुबह आ जाना जमींदार के घर, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अगले दिन किशन जमींदार के घर जाता है, जगन पहले से ही वहाँ मौजूद होता है। जमींदार साहब, ये है किशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा, तुम हो किशन, तुम कर पाओगे उस खेत में काम? हाँ जमींदार साहब, मैं कर लूंगा। ठीक है किशन, ये लो, ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे और आज से ही तुम खेत में काम करना शुरू कर दो। किशन पैसे पाकर बहुत खुश होता है। किशन पहले घर जाता है और मालती को पैसे देता है। अरे वाह, जमींदार ने आज ही पैसे दे दिए। हाँ मालती, तुम बाजार से कुछ राशन ले आना, मुझे आज ही काम पर जाना है, मैं शाम को आऊंगा। लेकिन वो बंजर खेत है, आप कर लेंगे काम? बड़ी मुश्किल से तो ये काम मिला है, घर की हालत को देखते हुए मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, चाहे वो कितना भी कठिन हो। मालती, तुम परेशान मत हो, मैं कर लूंगा। किशन खूब मेहनत करता है
और किशन की मेहनत से एक दिन वो बंजर खेत फसल से लहराने लगता है। किशन की मेहनत को देखकर जमींदार रघुनाथ खुश हो जाता है। शाबाश किशन, तुमने तो कमाल कर दिया, जो कोई नहीं कर सका वो तुमने कर दिखाया। सब आपकी कृपा है सेठ जी, आपने मुझे काम दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये लो किशन तुम्हारी तनख्वाह, और हाँ इस फसल की रखवाली भी तुम्हें ही करनी है। किशन अपनी तनख्वाह लेता है और घर आ जाता है और मालती को सारी तनख्वाह देता है। ये क्या, आपकी तनख्वाह तो बहुत कम है, इतने में क्या होगा? आपने जमींदार से कुछ कहा नहीं, आप इतनी मेहनत करते हो और इतनी कम तनख्वाह। मैं क्या कहता मालती, वो जमींदार हैं, हमारे लिए तो इतना ही बहुत है कि हमारे पास काम है। अगले दिन किशन फसल की देखभाल के लिए खेत जाता है। किशन फसल की देखभाल करता है, तभी किशन देखता है एक चिड़िया आकर खेत में कुछ दाने चुगने लगती है। अरे ये चिड़िया खेत में फसल के दाने चुग रही है, अभी इसे भगाता हूँ। ये सोचकर किशन चिड़िया को भगाने लगता है, लेकिन तभी अचानक किशन को चिड़िया पर दया आ जाती है। रहने देता हूँ, एक छोटी सी चिड़िया ही तो है, कितना खा लेगी, देखने में भी कितनी प्यारी लग रही है, अब मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ। ये सोचकर किशन आराम करने लगता है। कुछ देर बाद किशन को एक आवाज आती है और अचानक उसकी आँख खुल जाती है। तभी किशन देखता है वही चिड़िया खेत के पास घायल पड़ी है। अरे ये चिड़िया तो घायल हो गई, अभी तो ये फसल के दाने चुग रही थी। हाँ लगता है किसी बड़े पक्षी ने इसे घायल कर दिया है। किशन उस चिड़िया को घर ले आता है। अरे ये चिड़िया कहाँ से पकड़ लाए आप, और इसे क्या हुआ है, देखूं तो ये तो घायल लग रही है। तभी किशन मालती को सारी बात बताता है। और मालती, जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा ये चिड़िया घायल पड़ी थी, इसीलिए मैं इसे घर ले आया। बहुत अच्छा किया आपने इसे घर लाकर, मैं इसे दवा लगा देती हूँ, ये चिड़िया बहुत प्यारी लग रही है, हम इसे अपने पास ही रखेंगे। मालती उस चिड़िया की खूब देखभाल करती है, उसको दवा लगाती है। कुछ दिनों में चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक दिन किशन को कुछ रुपयों की जरूरत थी, तो वह जमींदार के पास जाता है। सेठ जी मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, अगर आप दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। किशन मैंने तुम्हें अभी कुछ दिन पहले ही तो रुपए दिए थे, अब इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, कुछ दिन रुको मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूंगा। सेठ की बात सुन किशन निराश होकर घर आ जाता है और सारी बात मालती को बताता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर पैसे नहीं होंगे तो घर खर्च कैसे चलेगा, आप इतनी मेहनत करते हो फिर भी जमींदार आपको इतने कम पैसे देते हैं, जिससे हमारा महीने का खर्च भी नहीं चल पाता। उन दोनों की यह सारी बात पास में पिंजरे में बैठी चिड़िया सुनती है। तभी चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाती है और उसके पंखों से एक सोने की पंखुड़ी गिरती है। यह देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हाँ ये क्या, देखो देखो चिड़िया के पंख से सोने की पंखुड़ी गिरी। हाँ मालती ये तो सच में सोने की पंखुड़ी है। तभी चिड़िया बोलती है, हाँ किशन ये सोने की पंखुड़ी है और अब ये तुम्हारी है, तुम इसे ले लो, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, तुम दोनों ने मेरी इतनी देखभाल की, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, मैं हर रोज तुम्हें एक सोने की पंखुड़ी दूंगी, जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चिड़िया की बातें सुन किशन और मालती दोनों बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे दोनों की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वे काफी धनवान हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। एक दिन जमींदार सोचता है, ये किशन अब काम करने क्यों नहीं आता, कई दिन हो गए हैं, किशन का तो कुछ अता पता ही नहीं है। तभी जमींदार अपने नौकर मदन को बुलाता है। मदन किशन तुम्हारा पड़ोसी है ना? जी मालिक, किशन मेरा पड़ोसी है, वो मेरे पड़ोस में ही रहता है। अच्छा तो ये बताओ ये किशन अब काम करने क्यों नहीं आता? मालिक अब किशन काम करने नहीं आएगा, क्योंकि किशन तो अब काफी धनवान हो गया है,
मदन की बात सुनकर जमींदार आश्चर्य में पड़ जाता है। क्या किशन धनवान हो गया? लेकिन ये किशन इतनी जल्दी धनवान कैसे हो गया? ऐसा क्या खजाना उसके हाथ लग गया? मालिक, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप कहें तो मैं इस बात का जल्द से जल्द पता लगा लूंगा। ठीक है मदन, तुम मुझे जल्द से जल्द इस बात का पता लगा कर बताओ। मदन अब किशन पर नजर रखने लगता है और एक दिन मदन चुपके से किशन और मालती की बातें सुनता है। आज हम जो कुछ भी हैं इस जादुई चिड़िया की वजह से हैं। अगर ये चिड़िया हमें सोने की पंखुड़ी ना देती तो आप आज भी जमींदार के घर कम पैसों में मेहनत मजदूरी कर रहे होते। इसलिए मैं सोच रही हूँ इस चिड़िया को हम अपने से कभी अलग नहीं होने देंगे। हाँ मालती, सही कहा तुमने। अगर उस दिन खेत में मुझे ये चिड़िया ना मिलती तो हम आज भी दुख और मुसीबतों में जीवन जी रहे होते। हम इस चिड़िया का हमेशा ख्याल रखेंगे और कभी अपने से दूर नहीं होने देंगे। दोनों की सारी बातें मदन सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है। ये बात तो मुझे जमींदार को बतानी ही होगी। मदन जाकर जमींदार को सारी बात बताता है और मदन की बात सुनकर जमींदार गुस्से से लाल हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है। किशन को मेरे खेत से जादुई चिड़िया मिली जो सोने की पंखुड़ी देती है, और किशन वो चिड़िया मुझसे छुपाकर अपने घर ले गया और धनवान बन गया। अभी जाकर इस किशन को मजा चखाता हूँ। गुस्से में जमींदार किशन के घर जाता है। किशन, तुमने मेरे साथ धोखा किया। वो जादुई चिड़िया तुम्हें मेरे खेत में मिली है, इसलिए वो जादुई चिड़िया मेरी है और तुमने उसे अपने पास रख लिया। जमींदार उन दोनों से जबरदस्ती उस जादुई चिड़िया को छीनकर घर ले आता है। ए जादुई चिड़िया, अब से तुम सिर्फ मुझे ही सोने की पंखुड़ियाँ दोगी। अब मैं और धनवान हो जाऊंगा, कोई मेरे बराबर नहीं होगा। नहीं, मैं तुम्हें सोने की पंखुड़ी नहीं दूंगी। तुम एक लालची और घमंडी व्यक्ति हो। किशन और मालती दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, पर तुम एक स्वार्थी व्यक्ति हो। इतना कहकर जादुई चिड़िया गायब हो जाती है और जमींदार देखता ही रह जाता है।